गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ द विजडम स्कूल। बेटे, लास्ट वीडियो में मैंने आपको हिंदी व्याकरण का पार्ट 3 समझाया था, आज उसका बुक वर्क करवा रही हूँ। सबसे पहले आपका प्रश्न के मौखिक और लिखित, मौखिक क्वेश्चन और लिखित क्वेश्चन दोनों ही हैं। इन्हीं से मौखिक, ये सारे के सारे आपके मौखिक हैं और ये सारे के सारे आपके लिखित प्रश्न हैं। सबसे पहला है प्रश्न एक का क, स्वरों के मेल से क्या बनते हैं? स्वरों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं, ठीक है? तो स्वरों के मेल से शब्द बनते हैं। दूसरा है शब्दों के सही मेल से क्या बनता है? वाक्य। शब्दों के सही मेल से क्या बनता है? वाक्य। फिर है कौन से स्वर की मात्रा नहीं होती? अ की कोई मात्रा नहीं होती। उसके बाद प्रश्न दो, निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। ये सारे आपके शब्द हैं। फिर है आपका प्रश्न दो, निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। वाक्य बनाना है आपको, आगे पीछे शब्द दिए हैं, आपको सही वाक्य बनाना है। सबसे पहला आपका सही वाक्य है शेर तेज दौड़ता है। दूसरा, मेरे घर में एक कुत्ता है। तीसरा, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। और आपका फोर्थ है कि मेरे मित्र का नाम सोहन है। इसके बाद प्रश्न तीन है आपका, वर्णों के सही मेल पर सही का निशान लगाइए। आपको दो ऑप्शन दिए हैं, दोनों में से आपका कोई एक सही है, वो सही मैंने लिखे हैं। नमक सही है, मटर सही है, चीनी सही है, तालाब सही है, कमल सही है और किताब सही है, अलमारी सही है, समोसा सही शब्द है। इसके बाद प्रश्न नंबर चार है, जो आपका अंतिम प्रश्न है, प्रत्येक मात्रा के दो दो शब्द बनाइए। ये आपको मात्राएं दी हैं, इनके आप कोई भी दो शब्द बना सकते हो। सबसे पहला आपका दिया हुआ है बुक में, आ की मात्रा का माला और काला आपको दिया है, ई की मात्रा का मैंने बनाया है दीन और दिया। फिर है ओ की मात्रा सोना लोटा, सिर ई की मात्रा का सिर और ती, ऊ की मात्रा से बना फूल और जूता, ठीक है? तो ये पार्ट 3 मात्राएं आपका टॉपिक जो है वो क्लियर है। आज का आपका पार्ट 3 मात्राएं पूरा हुआ, इसका बुक वर्क पूरा हो गया है और आप सभी ने यहाँ तक करना है। आज के लिए इतना ही, बाय एवरीवन।